आज के इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय रमेश बैस जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, जिनकी संकल्पना से ये सांस्कृतिक केंद्र साकार हुआ, ऐसे पंजाब के गवर्नर आदरणीय बनवारी लाल जी पुरोहित, मंच पर उपस्थित मेरे साथी चंद्रशेखर बावनकुड़े जी, जगदीश लखानी जी, राजेंद्र पुरोहित जी, श्रीमती अन्नपूर्ण शास्त्री मैडम, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का नागपुर की नगरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि राष्ट्रपति बनने के बाद जो पहला आधिकारिक कार्यक्रम उन्होंने महाराष्ट्र में दिया वो नागपुर की नगरी में और विशेष रूप से गढ़चिरौली में उन्होंने दिया, ये हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। और आज जिस कार्यक्रम को हमने संपन्न किया है, एक ऐसा सांस्कृतिक केंद्र जो भारत की विरासत को और भारत के इतिहास को हमारे सम्मुख फिर एक बार तरोताजा करता है और जिन मूल्यों के लिए हम सभी ने बरसों प्रयास किया, ऐसे मूल्यों का रोपण करने के लिए जिस केंद्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा, इस प्रकार के सांस्कृतिक केंद्र का आज उद्घाटन परमादरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। मैं इस मौके पर आदरणीय बनवारी लाल जी पुरोहित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि नागपुर और महाराष्ट्र को इस सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार की भेंट बाबूजी आपने दी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि रामायण जो कोई काल्पनिक कथा भी नहीं है, जो केवल कोई नाट्य भी नहीं है, तो हजारों वर्षों से हमारे सांस्कृतिक मूल्य जहां से प्रेरणा पाते हैं वो हमारी रामायण है, जिसने भारत को एक दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में, कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन के रूप में प्रस्थापित किया, वो रामायण है। और ऐसी रामायण को इतने सुंदर तरीके से चित्रित करते हुए तीन भाषाओं में हमारे सामने लाने का जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, मैं ये मानता हूँ कि इससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ न केवल प्रेरणा पाएगी बल्कि उन्हीं उच्च मूल्यों की ओर वे आकृष्ट भी होंगे। और इसलिए एक बहुत सुंदर इस प्रकार की ये भेंट। और वहीं भारत माता का मंदिर, जहां पर 1857 से 1947 तक की हमारी भारतीय स्वतंत्रता की सारी लड़ाइयां, भारत के जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सब के चित्र, उनकी कथाएं, और साथ साथ भारत में जिन्हें परमवीर चक्र मिला, ऐसे हमारे बहुत ही वंदनीय ऐसे फौजी, इन सबकी गाथाएं, ऐसा एक बहुत ही प्रेरक इस प्रकार का जो चित्र हमको देखने को मिलता है। हमेशा ये कहा जाता है कि जिनको अपना इतिहास याद नहीं होता उनको वर्तमान तो होता है लेकिन भविष्य नहीं होता। और उसी गरिमामय इतिहास को हमारे बीच पुनर्प्रस्थापित करने के लिए ये जो कार्य आज यहाँ पर हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही अनूठा इस प्रकार का कार्य है। वैसे भी इस बात का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा कि रामायण के प्रति बाबूजी की जो संवेदना है वो इतनी गहरी है कि हम सब लोग जानते हैं कि जिस समय राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन शुरू हुआ, उस समय
सांसद के पद का त्याग करने वाले पहले व्यक्ति ये बनवारीलाल जी पुरोहित थे, तो रामायण उनके रग रग में बसी है और उसी रामायण को वे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और इस शुभ कार्य के लिए परम आदरणीय राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी यहां पधारी, मैं ऐसा मानता हूं ये तो उससे भी बड़ा सुयोग है। वैसे भी ये जो नागपुर शहर है हमारे गोंड राजाओं की राजधानी रही है और एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार की विरासत, एक परंपरा इस नागपुर नगरी की है और उसी परंपरा को समृद्ध बनाने का काम हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बावनकुले जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं क्योंकि ये जगह हमारे जगदम्बा कोराडी ट्रस्ट के माध्यम से और हमारे पावर जो हमारी कंपनी है उसके माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध हुई है, तो उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन यहाँ पर करता हूँ और इस अच्छे कार्य में मुझे सम्मिलित किया, इसलिए आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।